खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री साय बैठक ले रहे हैं। कलेक्टर एसपी की बैठक ली जा रही है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा। इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, कमिश्नर, आईजी भी शामिल हैं। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर चर्चा की जा रही है। स्थिति ना बिगड़े इसका खास ख्याल रखा जा रहा है सरकार की ओर से। सरकार पूरा ध्यान दे रही है, जो हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि अब धीरे धीरे असर पड़ना शुरू हो गया है और जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर असर पड़ रहा है। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि सब्जी मंडी में ट्रक नहीं पहुंचने की वजह से सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं। पेट्रोल पंप में टैंकर नहीं पहुंचने की वजह से पेट्रोल और डीजल खत्म होने की कगार पर है। और कई जगहों से ये खबर सामने आई है जहां पर पेट्रोल और डीजल कई पेट्रोल पंप में खत्म हो गया। स्थिति धीरे धीरे भयावह होती जा रही है और अगर जल्दी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर आगामी समय में और ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं, जिसका सामना आम जनता को करना पड़ सकता है और इसका सीधा असर हर वर्ग पर पड़ रहा है, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं। इस बीच यहां पर आपको बता दें कि स्कूलों पर भी असर पड़ना शुरू हो गया क्योंकि इस बीच जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आशीष जी, स्थिति भयावह है और ज्यादा बिगड़ती जा रही है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार की कोशिश है कि जो संभव हो सके वो कदम उठाए जाएं। क्या कदम उठाए जा रहे हैं और जो बैठक हो रही है इस बैठक से क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है फिलहाल? देखिए, स्थिति कंट्रोल में लाने की ही जद्दोजहद करती सरकार नजर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमाम आला अधिकारियों को बुलाया है, बैठक चल रही है। ड्राइवरों की हड़ताल के बाद आवश्यक वस्तुओं के जो परिवहन होते हैं वो लगभग ठप होने की स्थिति में आ गए हैं। एक क्राइसिस की स्थिति बन रही है और पूरे राज्य से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी है, डीजीपी भी है, फूड डिपार्टमेंट के भी अधिकारी हैं और तमाम मातहत अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री ने तलब किया है। इस वक्त मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं और बैठक लेने के बाद कोशिश इस बात को लेकर की जाएगी कि क्राइसिस मैनेजमेंट किस तरीके से सरकार करे, किस तरीके से ड्राइवरों की हड़ताल को रिवोक किया जाए। इन तमाम विषयों पर इस वक्त इस बैठक में रायशुमारी चल रही है, बातचीत चल रही है और जाहिर है इसके बाद मुख्यमंत्री कोई ठोस दिशा निर्देश जो है वो अफसरों को इस बैठक के बाद दे दें। जी, लेकिन आशीष जी, अगर हम ताजा हालातों को समझने की कोशिश करें तो छत्तीसगढ़ में अभी इस वक्त क्या स्थिति है और क्या अब ये प्रदर्शन क्या हिंसक होता जा रहा है? क्योंकि कई जगहों से मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं, कई जगहों पर ड्राइवरों के साथ मारपीट भी की गई है। देखिए, कलेक्टर और एसपी जो है उन्हें मुख्यमंत्री ने ताकीद फरमान सुना दिया है कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। जिस तरीके से राज्य के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके की खबरें आई कि दबाव डालने की कोशिश की गई है, स्कूली बसों को भी रोका गया, बलपूर्वक रोका गया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने के हालात बनते नजर आए, तो ऐसी शिकायतों के बीच कलेक्टर और एसपी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी नहीं बिगड़नी चाहिए। हालांकि इस वक्त जब बैठक चल रही है तो बैठक में कई जरूरी दिशा निर्देश भी हैं, वो मुख्यमंत्री मातहत अधिकारियों को दे सकते हैं। ठीक है आशीष जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बैठक जारी है और तमाम दिशा निर्देश यहाँ पर कलेक्टरों को दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा।